हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी में लगे होंगे और डेली एक सेट का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हमारे चैनल पे कल इटूरिया के बुक से जो हम लोग मैथ के जो ये टेस्ट सीरीज वन का प्रैक्टिस सेट जो इसका वन था उसका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन कराने वाले थे, लेकिन वीडियो लंबा होने के चलते हम लोग मैथ का क्वेश्चन कल करे थे, आज हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जिसको भी अगर कुछ भी आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, जो लोग भी वो जाके देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और जिसको कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट जरूर करिए, आप लोग का कमेंट देखा जाता है और उसका आपको सोल्यूशन भी बताया जाएगा। अगर कुछ भी गलती होता है उसको भी आप लोग कमेंट करिए और वीडियो को आप लोग जरूर पूरा देखिए। और आप लोग को बार बार बोलें कि एक प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर मारिए। हमारे चैनल पे जीके जीएस का भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कराया गया है, तो जो पहले का वीडियो नहीं देखे हो जाके देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और आप लोग कमेंट जरूर करिए कि आप लोग को कौन से बुक से और सा प्रैक्टिस सेट करना है। अभी हमारे एडिटोरिया के बुक से जो ये मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप लोग को अगर और किसी से करना है आप लोग को, तो उसका भी आप लोग कमेंट करिए। एडिटोरिया के बुक से होने के बाद हमारा खुद प्लेटफॉर्म के बुक से भी कराएंगे। तो चलिए आज का हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और रीजनिंग का कल मैथ का इसमें क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 100 तक था, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, दिया गया निम्नलिखित पहला नंबर क्वेश्चन है इसमें, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो चीनों को परस्पर बदलना होगा। जेमिस इसमें परस्पर बदलना होगा, ये क्वेश्चन हमेशा किसी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि परस्पर बदलने के लिए किसको आवश्यकता है। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि दो चीन किसको किसको हम लोग परस्पर बदले, मीन्स इसमें हम लोग कोई भी जो मैथमेटिकल साइन है उसको चेंज करना है, या यहाँ पे डिवाइड और माइनस दिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर डिवाइड की जगह पे माइनस करेंगे और माइनस की जगह पे डिवाइड करेंगे तो क्या सही रहेगा? तो हाँ, इससे क्या रहेगा, ये अगर यहाँ पे माइनस आता है तो ये 5 से कट जाएगा और ये समीकरण भी इसके इक्वल हो जाएगा। या फिर हम लोग मल्टीप्लाई को अगर चेंज करते हैं तो ये मल्टीप्लाई है, अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 7 टू 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये फ्रैक्शन में आएगा जो 20 के इक्वल नहीं होगा। तो सी सी नंबर को ट्राई ही नहीं करना है। फिर बी नंबर को देखते हैं, अगर डिवाइड की जगह पे हम लोग प्लस करते हैं और प्लस की जगह पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये 3 से 7 को डिवाइड करेंगे तो ये भी नहीं कटने वाला है, इसको भी छोड़ देंगे। फिर हम लोग डी नंबर ऑप्शन को देखते हैं, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस करते हैं और माइनस की जगह पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्वेश्चन क्या होगा, ये जो 3 होगा ये खुद ही 5 से नहीं कटेगा। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन को ही हम लोग ट्राई करते हैं, तो ए नंबर ऑप्शन को हम लोग ट्राई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ 45 दिया हुआ, 45, और यहाँ पे माइनस की जगह पे हम लोग को क्या लेना है, यहाँ पे माइनस की जगह पे हम लोग को डिवाइड का साइन यूज करेंगे, तो डिवाइड का साइन यूज करेंगे तो 5 से 45 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9 बार में डिवाइड कट जाएगा। यहाँ पे माइनस कितना लिखेंगे, तो ये डिवाइड की जगह पे -3 प्लस 7 × 2 इक्वल टू 20 के इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा, जो 14 20 इज इक्वल टू कितना होगा, तो 20 के इक्वल होगा। ये तो कौन सा ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनने के समझाने के चलते क्या लगता है, टाइम यहाँ पे ज्यादा लगता है। यहाँ पे देखते हैं 10 एट द रेट ऑफ 8 के साथ यहाँ पे 20 हो रहा है, 13 एट द रेट ऑफ 8 के साथ 23 हो रहा है, इसी तरह से पूछ रहा है कि 70 एट द रेट ऑफ 9 के साथ क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, 7 को हम लोग 7 + 10 किए हैं, तो सॉरी यहाँ 10 10 + 8 करेंगे तो कितना होगा, 10 + 8 करेंगे तो ये प्लस इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये 20 के इक्वल हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 13, यहाँ पे 13 दिया हुआ है, 13 + 8 + 2 कर दे रहे हैं तो ये कितना होगा, तो ये 23 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे कितना दिया हुआ, तो 45 + 12 प्लस हम लोग यहाँ पे कितना ऐड करते हैं, 2 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये 59 आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ क्या है, तो ये 17 एट द रेट ऑफ हम लोग 9 + 2 ऐड कर देंगे इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, 79 + 2 कितना आ जाएगा, तो 81 आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से इसका एक पैटर्न पकड़ लेना है तो फिर अगला भी क्या चलते हैं मालूम चलते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103।
एक कक्षा में सोनू का स्थान नीचे से 23वां है। तो एक कोई कक्षा है जिसमें यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, यहाँ पे जो सोनू है वो बैठा हुआ, सानू है, ये सानू क्या है यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये जो बैठा हुआ है इसका नीचे से स्थान पूछ रहा है, तो नीचे से इसका स्थान कितना है, तो 23वां है। अच्छा, ऊपर से इसका स्थान और शीर्ष स्थान से इसका स्थान कैसा है, तो 27वां है। ऊपर से इसका स्थान 27वां है, तो पूछ रहा है कि उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो कक्षा में विद्यार्थी है सोनू जो काउंट हुआ है, सानू ये एक बार ऊपर से भी हुआ है और एक बार ये नीचे से भी काउंट हुआ है। तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 27 + 23 में से एक को घटा देंगे क्योंकि दो बार काउंट हुआ है। तो कितना आ जाएगा, ये 7 और 3 0 और ये कितना आ जाएगा, 5, इसमें से एक सबट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 49 आ जाए, सॉरी ये कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। एक सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 59 आ जाएगा। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगर मोची जो है जूते से संबंधित है तो बढ़ई मोची क्या बनाता है, तो जूते बनाता है। तो बढ़ई क्या बनाता है, तो बढ़ई ड्रिल करता है। लकड़ी का, लकड़ी से संबंधित है, लोहा से संबंधित है और खेत से संबंधित है। तो बढ़ई जो है ये किससे काम करता है, तो बढ़ई जो है ये लकड़ी से जुड़ा हुआ काम करता है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, दिए गए आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें ये ज्ञात कर लीजिए, 3 3 6 3 9 आ जाएगा, एक इधर से आ जाएगा तो 10 आ जाएगा, इधर से ये बनेगा तो 11 बनेगा, ठीक, एक बार ये इधर से बनेगा तो ये 12 बनेगा, एक बार इधर से बनेगा तो 13 बनेगा, और एक बार ये बड़ा वाला कितना आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका एक अच्छा ट्रिक आप लोग को बता देते हैं, अगर आप लोग को टाइम कम लगे तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो ऑप्शन रहेगा उसको आप लोग टिक कर दीजिएगा, जो यहाँ पे क्या करता है वो ट्रिक काम कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ए एट द रेट ऑफ बी का अर्थ होता है, ए क्या है, बी का भाई है। ए डॉलर यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका पिता है, तो निम्न में से पूछ रहा है कि पी जो है एम का चाचा होगा, पी जो एम का चाचा होगा, ये कैसे निकालना होगा। तो इसको हम लोग सबको समीकरण को बैठाएंगे, तो पहले हम लोग ए नंबर बाई ऑप्शन इसमें चेक करना है। तो एन को हम लोग क्या करते हैं, एन एट द रेट ऑफ पी दिया हुआ है, और हैज इन हैज स्टार पी के साथ क्या संबंध है, तो यहाँ पे देखेंगे ए जो है बी का अर्थ है कि ए क्या है, बी की बहन है। तो इसी तरह से यहाँ क्या मालूम चलेगा कि एन जो है ये क्या है, पी की बहन है। तो एन का तो जेंडर क्वालिफाई हो गया लेकिन पी का नहीं हुआ, तो पी को छोड़ देंगे। इसका जेंडर अगर ये फीमेल रहेगा तो माइनस लिखेंगे, अगर मेल रहेगा तो प्लस लिखेंगे। अच्छा, इसी तरह से अभी आगे देखते हैं, पी पी जो डॉलर है एम के साथ जुटा हुआ, तो इसका अर्थ क्या होता है कि जो पी है ये क्या होगा, ए जो है बी का पिता है, इसी तरह से पी जो होगा क्या होगा, तो एम का पिता होगा। तो पी किसका पिता होगा, तो ये एम का पिता होगा। तो पी मालूम चल गया इसका जेंडर, ये फीमेल है मेल है, और ये एम का मालूम नहीं चला। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एम एट द रेट ऑफ के इसका अर्थ क्या होगा, कि ए जो है बी का भाई है। एम जो है यहाँ पे, तो एम जो है किसका भाई है, तो एम यहाँ पे ये के का भाई है। तो यहाँ से क्या निकला, क्या एम जो है ये पी का चाचा है, तो नहीं, यहाँ पे ये क्या है, एम जो है ये पी का लड़का है। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो इसका होगा नहीं, गलत हो जाएगा। फिर हम लोग ऑप्शन नंबर इसका बी चेक करते हैं, बी चेक करने के लिए एम एट द रेट ऑफ के का क्या अर्थ है, तो ए जो है ये बी का भाई है, मीन्स एम जो है ये किसका भाई है, तो के का भाई है। फिर पूछा हुआ है कि के जो है डॉलर के साथ जुटा हुआ है, टी के डॉलर टी, तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है ये बी का पिता है, तो ये के है किसका पिता है, तो के जो है ये टी का पिता है। और इसी तरह से फिर हम लोग टी टी हैज स्टार आर के साथ क्या हुआ, कि जो टी है ये पी की बहन है, टी जो है ये किसकी बहन है, तो पी की बहन है। अच्छा, तो ये बहन है तो ये इसका भाई है, और एम यहाँ पे क्या है, तो एम जो है ये पी का चाचा है, ठीक है, ये भाई या बहन होगा लेकिन कुछ भी होगा, तो इसके पापा का क्या है, ये एम भाई है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से आप लोग को चेक करना पड़ेगा जितना नंबर ऑप्शन में रहेगा, इस तरह से आपको बनाते 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 इसका ट्रिक भी कुछ मालूम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले देखे थे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 106 नंबर क्वेश्चन देखे थे, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। राकेश जो है उत्तर की ओर 30 किलोमीटर चलता है। चलिए, राकेश अगर यहाँ से अब इस चलना स्टार्ट करता है, तो आप लोग जानते हैं कि आप लोग
जो ये आप लोग को, ये ईस्ट हुआ, ये ईस्ट वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ हुआ और ये साउथ हुआ। इस तरह से बता रहा है कि राकेश जो है ये उत्तर की तरफ कितना, यहाँ से राकेश उत्तर की तरफ चलता है 30 मीटर चलता है, पुनः ये अपने दाएं मुड़ता है और कितना मीटर चलता है तो 40 मीटर चलता है, फिर पुनः वो अपने दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ता है मीन्स राइट हैंड की तरफ मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। वो अपने प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है, तो ये इसका प्रारंभिक दूरी से यहीं से चलना स्टार्ट किया था, और इसका क्या अंतिम दूरी है, तो ये दूरी के जो यही वाला डिस्टेंस होगा, यही डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे भी होगा, तो ये कितने मीटर की दूरी पर है, तो 40 मीटर की दूरी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे ये बता रहा है कि इसका ये किस जिस तरह से संबंधित है उसी तरह से ये भी, ये किसके साथ संबंधित होगा, तो आर देखिए, आर कितना पे आता है, 18 पे आता है। आई कितना पे आता है, तो 9 पे आता है। फिर एच कितना पे आता है, तो 8 पे आता है। और एस कितना पे आता है, तो 19 पे आता है। टी कितना पे आता है, तो 20 पे आता है। और जी कितना पर आता है, तो 7 पे आता है। अच्छा, तो इसमें देख रहे हैं कि ये क्या है, इसके साथ ही उल्टा जुटा हुआ, ये जो है इसके साथ उल्टा जुटा हुआ, 20 जो है ये अच्छा उल्टा जो रहेगा, कोई भी एक जो संख्या रहता है एक दूसरे का जो उल्टा रहता है, ए का उल्टा क्या होगा, तो ए का जो उल्टा होगा ना वो जेड होगा, क्योंकि तो ये दोनों को जो जोड़िएगा, इसका सिंपल फॉर्मूला ये एक है और ये कितना पे है, 26 पे। ये जो दोनों का सम होगा वो 27 होगा। जब दो कोई भी इसमें कोई भी अल्फाबेट दिया रहा है, अगर दोनों अल्फाबेट को अगर जोड़ते हैं, अगर ये दोनों का सम अगर 27 होता है तो दोनों क्या है, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो यहाँ पे सेम पैटर्न मैच कर रहा है, इसी तरह से यहाँ आर का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आर का उल्टा आई होगा। टी का उल्टा क्या हो जाएगा, तो टी का उल्टा जी हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आई जी, और भी का उल्टा इसमें आप लोग खोजना है आई जी। ये तो ये तीन ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये ए और सी में, यही दोनों में आप लोग को चेक करना है। एक्स का उल्टा खोजना है, एक्स कितना पे होता है, एक्स होता है 24 पे। इसमें कितना जोड़िएगा कि 27 हो जाएगा, तो तीन जोड़ने पे, तीन पे कौन होता है, तो सी होता है, तो कौन सा होगा, आई जी सी, और ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109, 109 नंबर क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में बाइकल को 59 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में विंडो को क्या लिखा जाएगा, तो इसको आप लोग लिखना होगा, तो इसको आप लोग जोड़िएगा, तो ये कितना आ जाएगा, बी कितना पे आता है, ये बाइकल लिखा है बी आई सी वाई सी एल ई। अच्छा, तो इस तरह से आप इसको क्या करिएगा, अगर इसको आप लोग जोड़िएगा तो बी आता है 2 पे, आई कितना पे आता है 9 पे, सी कितना पे आता है 3 पे, वाई कितना पे आता है, तो 25 पे, सी आता है 3 पे, एल एल कितना पे आता है, तो 12 पे, और ई कितना पे आता है 5 पे। ये सबको अगर सम करने पे कितना आएगा, 59 आएगा। इसी तरह से आप लोग को विंडो लिखना है, तो विंडो को हम लोग लिख लेते हैं, और इसको क्या करते हैं, आप लोग इसको नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही डॉट पेपर पे ही लिखिएगा। तो यहाँ पे कितना आता है, तो ये W कितना पे आता है, ये आता है आपका 23 पे, I आता है 9 पे, N आता है 14 पे, D आता है 4 पे, U आता है 15 पे, और W आएगा 23 पे। इस तरह से आप लोग जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 23 23 जो है ये 46 हो जाएगा, 46 46, और ये फिर 14 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 46 ये आ जाएगा आपका 760, 60 प्लस ये 15 कितना आ जाएगा, तो 75, 75 में 4 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 75 79, 79 में अगर 9 जोड़िएगा तो फिर ये आपका आ जाएगा 100, ये सॉरी ये 9 जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 88, ऑप्शन नंबर ए। इसको केवल सम कर लेना है आप लोग को। अच्छा, इसमें देख 110 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें जो यहाँ पे जो खाली छोड़ा है इसका मान निकालना, तो इसमें क्या पैटर्न मैच कर रहा है, यहाँ पे आप लोग को मिलान करना है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, तो ये 5 से 2 में मल्टीप्लाई करिएगा, 5 5 दुना के 10, और 10 में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 30। उसी तरह से आपको अगला वाला में भी देखना रहेगा कि इसमें क्या क्या हुआ है, और फिर इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम वही पैटर्न किया है, 6 5 30, 3 4 12, 120, और 120 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 120 ही आ जाएगा। इसी तरह से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 8 6 32, और 32 3 32 3
कितना जाएगा? तो छानबीन, छानबीन यहाँ दिया हुआ था, यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करना था, तो एक से करना था, एक किस ऑप्शन में दिया था? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, 111 नंबर क्वेश्चन है, यदि सुनीता सीमा और रीना से लंबी है, इस क्वेश्चन में आप लोग को दो इक्वेशन बनाना रहता है। तो जो सुनीता है ये किससे लंबी है? तो सुनीता जो है ये सीमा और रीना से क्या है, तो लंबी है, और रीना जो है राधा और गौरी से छोटी है। तो एक दूसरा बनाइए, फिर यहाँ पे रीना दिया हुआ है, तो रीना छोटी किससे है? तो यहाँ बता रहा है कि जो रीना है ये यहाँ पे दिया नहीं है, और किससे छोटी है? राधा और गौरी से, ये और ये गौरी से छोटी है, ये दोनों से ही क्या है, ये रीना जो है छोटी है, बीना जो है ना ये राधा से लंबी है। बीना जो है ये किससे लंबी है? तो राधा से लंबी है, मीन्स बीना भी क्या आएगी, कहीं इधर ही आएगी। ये सुमित से छोटा होगी, क्या होगी इसके बारे में भी जानकारी नहीं दिया, लेकिन ये दिया हुआ कि बीना जो है ये किससे लंबी है, तो बीना जो है ये राधा से लंबी है, तो ये भी इससे बड़ी होगी, मीन्स रीना इससे छोटी होगी। बीना के बारे में दिया हो कि बीना जो है ये राधा से लंबी है, मीन्स राधा से ये बीना लंबी है, इसको इधर लिख दिया। और सुनीता से बीना जो है ये किससे छोटी है? तो ये सुनीता से छोटी है, तो यहाँ पे सुनीता लिख दिया। बीना जो है ये राधा से लंबी है, राधा से लंबी और सुनीता से छोटी है। पूछा सुनीता सबसे लंबी नहीं है, मीन्स जो सुनीता है ये सबसे लंबी नहीं है, इसमें भी आ रहा था। तो सुनीता जब सबसे लंबी नहीं है तो सबसे लंबी कौन सी है? तो बचा था यहाँ पे गौरी और राधा। तो राधा के तो बारे में दिया था कि राधा क्या है, तो राधा जो है ये बीना राधा से लंबी है, तो ये तो यहीं पे होगा, गौरी ही होगा जो क्या आगे सबसे इधर चले आएगी, क्योंकि ये इससे बड़ा दिया हुआ है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो गौरी हो जाएगा, क्योंकि गौरी के बारे में चर्चा नहीं किया था कोई, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, राजेश है अपने घर से पूरब की ओर इधर ये चलेगा, इसका अगर घर यहाँ पे है तो 10 मीटर चलता है, फिर वह अपने उत्तर की ओर मुड़ता है, तो उत्तर की ओर इधर मुड़ेगा, तो कितना उत्तर की ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। इसके ऊपर वाले को थोड़ा इरेज कर लेते हैं, इसका आप लोग को हो गया है, ये क्या चलता है? तो ये उत्तर की ओर चलता है, और कितना चलता है? तो ये उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, तो अच्छा यहाँ से ये पश्चिम की ओर मुड़ेगा, तो किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा, और कितना किलोमीटर चलता है? तो ये 12 मीटर चलता है, कितना मीटर चलता है? तो 12 मीटर चलता है, और पुनः दक्षिण की ओर मुड़ता है, तो दक्षिण नीचे की ओर मुड़ा है, और फिर कितना चला है? तो 15 मीटर चला है। वह अपने प्रारंभिक दूरी से कितने दूरी पर है? तो यही इसका दूरी जो होगा, यही ये ट्रेवल किया, तो ये 15 है, ये भी 15 है, ये और ये जो 12 है, लेकिन नीचे में 10 था, तो कितना चला है? तो 2 मीटर चला है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, एक निश्चित कूट भाषा में BCM को इस तरह से लिखा जाता है, तो इसी तरह से पूछ रहा था कि इसको कैसे लिखा जाएगा, तो इसको आप लोग को क्या करना है, इसको आप लोग को मिलान कर, देखिए यहाँ पे बी दिया हुआ है, बी में डी को जो लिखा हुआ है, ये इसमें किया क्या है, तो बी को इसके साथ आप लोग को इसमें किस प्रकार का चेंजिंग किया है उसको आप लोग देखिए। बी में अगर यहाँ एक घटाया घटाइएगा तो यहाँ पे कितना पे आ जाएगा, ये एक घटा है तो ए आ गया है, इसमें अगर एक यहाँ पे घटा है तो ये आर आ गया है, इसी तरह बी में एक घटा है तो यू आ गया है, तो इसी तरह से फिर इसमें वाला ऑप्शन में करिए, एक घटाइएगा तो एक से एक घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, लेकिन ई कितना स्थान पे आएगा, तो चौथा स्थान पे इसमें आएगा, तो ई देखिए इसमें चौथा स्थान पे किसमें दिया हुआ है, ये एक स्थान यहाँ पे, तो इतना को, तो इसको लिखने के लिए कूट भाषा क्या होगा, तो इसको लिखने के लिए ये अगर इसमें देखिएगा, इस यहाँ ए में ये कितना नंबर ऑप्शन में दिए, ये दो दो चार, दो और दो चार, इसको ये चार चार के सीरीज में बटा हुआ है, तो यहाँ पे ये एक एक जुट रहा है, तो यहाँ पे भी आप अगर एक एक जोड़ दीजिएगा, तो ये एफ जो लिखा हुआ किससे लिखा हुआ, तो चौथा स्थान पे जी होगा, तो
जी चौथा आसन पे किसमें किसमें है, तो बी सी और डी में है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा। इसको आप लोग क्या करिए, फिर इसी तरह से इसमें मिलाइए, फिर इसमें ई में अगर एक जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, एफ दिया, ए में एक जोड़िएगा तो बी आ जाएगा, एस में एक जोड़िएगा तो टी आ जाएगा। इसी तरह फिर इधर वाले को जोड़ना स्टार्ट करिए, इसमें अगर एक जोड़िएगा तो सॉरी आई में एक जोड़िएगा तो जे आ जाएगा, बी में एक जोड़िएगा तो सी आ जाएगा, एल में एक जोड़िएगा तो एम आ जाएगा, और ई में एक जोड़िएगा तो एफ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। चार समूहों में से वह समुचित ज्ञात कीजिए जो समुच जैसा है, मीन्स ऊपर में जैसा दिया हो उसे ही में नीचे में दिया हुआ है, तो इस समुच को हम लोग को मिलान करना है। तो ये बारह में कितना से मल्टीप्लाई करेगा, 6 से मल्टीप्लाई करेगा 72 होगा, और 72 में कितना से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 216 होगा। उसी तरह से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 11 6 66 होना चाहिए, लेकिन ये दिया नहीं है, 4 6 24 दिया हुआ, और 24 3 क्या होना चाहिए, तो 24 2 48 दिया भी नहीं होगा, ये 5 6 30 और 3 और 30 90, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 नंबर क्वेश्चन, 115 नंबर क्वेश्चन है 2 3 और 5, इसको क्या किया है, तो इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, 5 2 10 प्लस 3 ऐड कर देंगे तो 13। इसी तरह से इसमें क्या किया है, यहाँ तो इमेज मिल गया, लेकिन क्या यहाँ पे मिलान हुआ इसका, तो नहीं यहाँ पे नहीं हुआ, तो फिर दूसरा हम लोग लॉजिक ऑप्शन करेंगे, तो 3 5 15, 15 में से 2 घटाएंगे तो 13, 17 सही है, 7 2 14, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और ऊपर वाले को क्या कर रहे हैं, घटा ले रहे हैं इसके मल्टीप्लाई में से, तो ये 7 2 14, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, ये आ रहा है सही है यहाँ भी, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 3 18, 18 में से ऊपर वाले को सबट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आना चाहिए, 15, ऑप्शन नंबर सी। जिस तरह से एक ऊपर में क्वेश्चन आया तो उसी तरह से दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों में से किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलने पर आवश्यकता अनुसार उपयुक्त विकल्प का इसमें चयन करना है, जैसे ऊपर में दिया हुआ था, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर माइनस में है तो ये डिवाइड करने पे इसका इजी आएगा, इसको हम लोग ऑप्शन नंबर ई को ट्राई करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए को ट्राई करते हैं, तो 24 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 24 3 कट जाएगा, और यहाँ भाग के जगह पे कितना आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, प्लस 7 इंटू, इसका तो कुछ चेंज करना नहीं है, ऊपर वाला में जैसे बताया वैसे ही है, आप लोग को यही बोलते हैं कि एक बार बना लीजिएगा तो दूसरा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनने लगे, 35 = 35 हो गया, तो कौन सा समीकरण इसमें सही आया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया हुआ 117 81 15 94 24, तो इसमें क्या है, इसको देखिए यहाँ पे ये लगातार कभी घट रहा है फिर बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो इसमें हम अल्टरनेट के साथ करते हैं, 91 में जो है कितना जोड़ेंगे तो 94 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको प्लस 13 बढ़ा हुआ दिखाई देगा, उसी तरह से आप 15 में कितना जोड़िएगा कि 24 आ जाएगा, तो यहाँ भी आपको कितना बढ़ा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आपको 9 बढ़ा दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ देखिए तो यहाँ कितना जोड़ा हुआ, तो यहाँ भी आपको 13 जोड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ कितना जोड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए तो 9 दिखाई देना चाहिए, तो 15 में हम लोग 24 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो 33 आ जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ये 11 कितना पे आता है, तो 11 है ये 13 पे, अच्छा सॉरी 11 पे, और वाई कितना पे आता है, तो वाई आता है आपका 24 पे, इसमें कितना ही जुटा हुआ है, तो ये एक जो है ये दूसरे पे जो जुटा हुआ है तो लगभग ये 13 जुटा हुआ है, एल जो आता है कितना पे आता है, 12 पे आता है, ये कितना पे आता है, तो 25 पे आता है, ये कितना जुटा हुआ है, भी 13 जुटा हुआ है, तो यहाँ पे भी 13 आप लोग जोड़िएगा, तो ए में 13 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 14 एन और ओ, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप लोग करते जाना है, आप लोग को क्या है ना कि जो जितना भी अल्फाबेट है उसको नंबर वाइज याद रखना है, और कोई भी अल्फाबेट को नंबर वाइज याद रखने के लिए आप लोग को एक फॉर्मूला देते हैं, एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, इसको आप लोग याद रखेगा, ई जो यहाँ पे इसको फिर से लिख देते हैं, ई जो टी से आपको एक बता देते हैं तुरंत तुरंत, आप लोग अगर बीच में ई जो टी, अब इसके ई कितना पे आता है, ई आता है 5 पे, जे कितना पे आता है, तो 10 पे, ओ कितना पे आता है, 15 पे, टी कितना पे आता है, 20 पे,
वाई कितना पड़ता है, 25 पे। अच्छा आप किसी बीच में मांगे, किसी अगर आप अल्फाबेट को भूल गए तो आपको गिनना पड़ेगा, तो कितना गिनना पड़ेगा, 5 ही गिनना ना पड़ेगा बीच वाला। तो ये आप लोग को याद जरूर रखिएगा ये बीच वाला, इससे आप लोग को ये जल्दी जल्दी अल्फाबेट याद करने में आप लोग को आराम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूहों से संबंधित नहीं है। अच्छा तो इसमें एक सीरीज बनाया हुआ, देखिए यहाँ पे P, Q, L और M, यहाँ पे N और O दे दिया, यहाँ पे देखिए G, H, E, F, G और E, F, G, H, A, B, C, D, I, J, K, L, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नहीं मिल कर रहा, एम एन ओ पी इधर आना चाहिए, इसमें नहीं दिया, तब कौन मेल है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा गैस जो है वायु से संबंधित है, तो तरल किससे संबंधित है, तो तरल जो है तेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 नंबर क्वेश्चन। एक निश्चित कुश भाषा में बोस को ऐसे लिखा जाता है और हेंस को ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कुछ भाषा में पूछा है कि चेंज को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि दो डिजिट के साथ संख्या दिया हुआ है, इसमें कुछ मैच नहीं कर रहा था, इसमें जिस अक्षर से बी लिखा होगा ना उसी अक्षर से इसमें भी खोजेंगे। देखिए इसमें सब डिजिट क्या रहता है, इसमें सेम मिलेगा आपको, सी दिया हुआ तो सी इसमें किसके साथ जुटा हुआ है, तो सी यहाँ पे 3 के साथ जुटा हुआ है, तो इसी तरह से यहाँ पे यहाँ सी का कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं, साफ दिखाई, इसमें क्या करना है कि जो डिजिट इधर वाला इसके साथ जुटा हुआ वही इसके साथ भी जुटेगा, तो आप लोग यहाँ पे सी के क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, 3 तो सभी ऑप्शन में दिया हुआ। फिर एच के साथ क्या आ जाएगा, एच जो पहला पे, तो 8, तो 3 के बाद 8 किसमें दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा, तुरंत ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। एक ही पासा के दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, वह संख्या चयन कीजिए जो सबसे ऊपर के एक फलक पर होती है। तो एक 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 सबसे ऊपर के फलक पर हो गई, यदि एक क्या होगा सबसे नीचे होगा, तो इसको निकालने के लिए आप लोग क्या करिएगा, इसको निकालने के लिए आप लोग इसमें एक को आप लोग को निकालना है, तो जो ही दोनों जो संख्या है ये जो पासा पढ़े होंगे उनको जल्दी बन जाएगा, नहीं पढ़े होंगे आप लोग कमेंट करिएगा, पासा का स्पेशल वीडियो बना देंगे डाइस का, जिसमें पूरा क्लियर हो जाएगा ये दोनों में कौन सा मिलान हो रहा है, तो 3 का मिलान हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 3 को लिख देंगे। अच्छा इसके बाद हम लोग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5, यहाँ पे 5 से फिर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ से 3, यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 और 2 आ जाएगा। तो तब जो ऊपर वाला स्थिति में यहाँ पे दिया कि सबसे नीचे में एक होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो अगर सबसे ऊपर में एक होगा तो सबसे नीचे में क्या होगा, तो 2 होगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। अगर एक एक कोड में लिखा हुआ है कि कोड DOX का अर्थ है इसके साथ दिया हुआ है, इसी तरह से इसके साथ दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें सबसे डायरेक्ट आना है कि इस NOU का कोड क्या होगा, अर्थ क्या होगा। तो अच्छा इसमें देखना है किसके इसके इसके साथ ही आया हुआ है, कि यहाँ पे दिया हुआ है और ये किसी के साथ दिया हुआ है, तो और ये किसी के साथ नहीं। अच्छा तो ये जो एक जो ये मैच करना है और यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो ये दोनों में देखेंगे, ये जो दोनों सेंटेंस है इसका अर्थ दिया हुआ है, यहाँ पे भी ये सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस में NOU आया हुआ है, तो इसके साथ देखेंगे इसमें जो इसका जो अर्थ है ये दोनों में क्या मिलान हो रहा है, ये दोनों के अर्थ में जो है स्वीट का मिलान हो रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका स्वीट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें तुरंत आप लोग को डायरेक्ट कहाँ आ जाना है कि क्वेश्चन पे आ जाना है कि आप लोग को पूछा क्या है, चलिए इसी पे आधारित तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 124। 124 नंबर क्वेश्चन, उपयुक्त में से प्लीज PIG का क्या अर्थ होगा, तो इस ये कहाँ कहाँ आया है, तो PIG यहाँ पे आया हुआ है, चाहिए और किसी के साथ आया हो तो नहीं, ये सिंगल सेंटेंस में आया है, तो ये 2 को हटा देंगे तो एक का अर्थ मालूम चल जाएगा। चाहिए यहाँ पे DEX जो दिया हुआ है ये किस ये कौन कौन से सेंटेंस में आया है, तो ये पहले और इसमें आया हुआ है, तो इसमें देखिए एक एक दोनों में जो मिलान हो रहा होगा, इज जो है ये दोनों में क्या हो रहा है, मिल रहा है, इसको मिला दिया इज के साथ, तो ये किसका होगा, ये डिक्स का, तो इसमें कहानी खत्म होगा, फिर HUX को देखना है, हुक्स इसके साथ किसका आया है, तो हुक्स ऊपर वाला के साथ आया है, तो इसमें ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो ये दोनों में फर्नीचर मिल रहा है, तो इसका भी फर्नीचर ये भी इसका काम खत्म हो गया,
तो एक जो को बचा है दोनों में क्या बचा है, तो गुड़ बचा, तो कौन सा हो जाएगा 124 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120, 125 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो जो अन्य से भिन्न हो। तो गाय, शेर, हिरण और बाघ, अच्छा ये जो तीनों देख रहे हैं क्या है, तो जंगली जानवर है, और गाय क्या है तो पालतू जानवर, घरेलू जानवर है, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126, यहाँ पे दिया हुआ, इसको क्या करना है, हम लोग देख रहे हैं कि ये यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका पहला अक्षर भी आएगा, ये वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसे मिल रहा है, जी एच यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा, तो यहाँ पे हम लोग इधर से ट्राई करते हैं, टी यू छोड़ के भी छोड़ के, भी के बाद यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, तो दो बढ़ रहा है, तो यहाँ भी आएगा आपका 22 पे, या 24 पे, तो आगे वाला कितना पे आएगा, तो 26 पे आएगा, तो भी के बाद जेड आना चाहिए, तो भी के बाद जेड ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों में है। फिर आगे वाला पटाई करते हैं, यू यहाँ पे आर आया है, फिर यहाँ पे ओ आया है, तो इधर से इसको देखते हैं इसमें क्या हुआ है, तो यू कितना पे आता है, 21 पे आता है, आर कितना पे आता है, यहाँ पे तीन तीन घट रहा है, तो ओ में से तीन घटाइएगा, ओ 15 पे आता है, तो 12 पे कौन सा आएगा, तो एल आएगा, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित चार अक्षरों में से तीन किसी तरह से एक समान है जो अनभिन्न है, उसका चयन करना है, जो प्लाटर है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है, और वेबकम है, तो इसमें जो प्लाटर है क्या है, तो एक इनपुट डिवाइस है, बाकी सभी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ये प्लाटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, बाकी सब क्या है, तो इनपुट डिवाइस है, तो इसी तरह से आप लोग इसको क्या करिएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये प्लाटर आउटपुट डिवाइस है, बाकी सब इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128, 144, यहाँ पे चार घटा हुआ है, यहाँ पे चार सब्ट्रैक्ट हुआ है, यहाँ पे चार सब्ट्रैक्ट हुआ है, यहाँ पे चार हुआ है, तो यहाँ पे चार सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 28 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्त समाज, इसको बेन आरेख में करना है, अच्छा दोस्त समाज, दोस्त और दुश्मन, अच्छा दोनों तो समाज में ही रहता होगा, अगर आपका कोई दुश्मन भी होगा तो वो भी क्या होगा, समाज में ही रहता होगा, और आपका दोस्त भी रहता होगा, तो दोनों क्या होंगे, लेकिन अलग अलग रहते होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आप लोग दोनों से मिलान नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 130, यहाँ पे दिया हुआ जैसे पहले दिया हुआ था, यहाँ पे दिया है सेम उसी टाइप का, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, ये तीसरा आया है इसी सेट में, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलने की आवश्यकता है। पहले देखिए, पहले क्या देता था, तो पहले हम लोग को वहाँ पे मैथमेटिकल साइन दिया था बदलने के लिए, अब क्या दे रहा है, तो इसमें दो संख्याओं को परस्पर बदलना है, संख्या बदलने के लिए आप लोग किसको किसको, देखिए 14 और 15 को बदलिएगा, इसमें आप लोग को किसको जिससे फायदा दिखाई दे उसी को बदलना है आप लोग को, तो 14 और 15 बदलने से 14 यहाँ पे 14 आ जाएगा, तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसका कोई फायदा नहीं है, 14 और 5, 14 या 5 से बचा दीजिएगा, तो ये 14 से 15 कटेगा ही नहीं, इसको भी कोई फायदा नहीं है, 12 और 14, 12 और 14 को करिएगा, तो इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे, ये 5 और 15, 5 और 15 को करिएगा, तो इसमें भी कोई डिवाइड नहीं होगा, तो यही 12 और हम लोग 14 को करेंगे, तो इसमें देखिए 112 प्लस 12 की जगह पे हम कितना लिखेंगे 14, और माइनस ये 5 5 इसको डिवाइड कर देगा, तो कितना बार में करेगा, 3 बार में करेगा, और इनटू ये 14 की जगह पे कितना आ जाएगा, तो ये 14 की जगह पे हम लोग 14 की जगह पे 12 आ जाएगा, इसका से कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, तो इसको ऐड करिएगा, ये कितना आ जाएगा, तो ये 6 2 126 माइनस ये 32 36 इक्वल टू 90, तो ये कितना आ जाएगा, 90 इक्वल टू 90 कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी वाले को चेंज किए थे, इस आप लोग को ट्रिक लगाना है, और इसमें आप लोग को ये क्यों पहले इसको डिवाइड किया, तो ये आप लोग को जानते हैं, जो हम लोग बच्चा में पढ़ते थे, सबसे पहले हम लोग किसको डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई को, बोडो मास उसको अप्लाई किया, ब्रेकेट रहेगा, फिर ऑफ रहेगा, इसके बाद डिवीजन रहेगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा, फिर सब एडिशन रहेगा, सब्ट्रैक्शन रहेगा, इसी तरह से इसको करना है। देखिए यहाँ पे 131 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से तीन एक निश्चित तरीका से एक समान है, एक भिन्न जो है उसको हम लोग चयन करना है,
तो इसमें 137 में हम लोग को क्या देख रहे हैं कि देखिए पी जो आता है 16 पे आएगा 18, 18 के बाद यहाँ पे कितना पे आएगा भी, मीन्स ये पहले दो जुटा हुआ है, फिर ये पहले एक बार कितना जुट रहा है तो दो जुट रहा है, फिर कितना जुट रहा है तो अगला में ये पी है दो जुटा तो आर आया, फिर इसमें कितना जुटा चार जुटा तो भी आया, इसी तरह से ए में दो जुटा तो सी आया, सी में दो जुटा तो सी सी तीन पे आता है, तीन में अगर चार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा तो सात, तो जी कितना पे आता है सात पे आता है। इसी तरह से आप लोग को फिर अगर इसको देखते हैं यू यू कितना पे आता है आप लोग का, यू आता है 21 पे, और इसमें दो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, दो जोड़ेंगे तो फिर आपका आ जाएगा डब्लू, डब्लू कितना पे आता है 23 पे, तो इसमें चार जोड़िएगा तो कितना आएगा तो डब्लू में अगर चार जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपका 27, तो 27 पे जेड आना चाहिए लेकिन दिया है वाई, तो इसमें अलग कौन है तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, इसी तरह से इसमें भी लिखना है बी सी डी ई, इस यहाँ पे एफ आ जाएगा, फिर इसी तरह आई जे के एल एम, एफ के बाद एम किस में आ रहा है तो ये ए और सी डी दोनों में आ रहा है, जी एच आई जी एच आई जे के, इसके बाद एल किस में आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। इसी तरह से आप लोग को मैच करना है, सब में एक एक यहाँ पे जोड़ते जा रहा है, इसी तरह से आप लोग को एक एक जोड़ के बनाते जाना है, इसमें तुरंत तुरंत टाइम नहीं लगना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य सभी संख्याओं से भिन्न है, से जो इसमें सभी संख्या दिया है सभी क्या है परफेक्ट स्क्वायर है 64, 9 और 101, लेकिन 8 क्या है ये क्यूब है तो यही भिन्न है इसमें। एक निश्चित कूट भाषा में ब्रूट को ऐसे लिखा जाता है, तो इसी तरह से पूछा है कि कास्टल को कैसे लिखा जाएगा, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कितना का ऐड हो रहा है तो ये आर आता है कितना पे आता है 18 पे आता है, और ओ कितना पे आता है तो 15 पे आता है, तो इसमें ऐड कितना हुआ तो इसमें इधर से हम लोग चलते हैं तो ये तीन का एडिशन हुआ है, अच्छा ये ओ इधर आता है, ये एल इधर आया है, अगर इधर से लेते हैं तो एडिशन हुआ, अगर इधर से आप इसको देखिएगा तो इसमें कितना हुआ तीन का सब्ट्रैक्शन हुआ है, वो आता है 15 पे, इसमें से तीन घटाइएगा तो क्या आएगा एल आएगा, तो माइनस तीन कर देगा इसी में, तो इसमें तीन घटाइएगा तो सी में से माइनस तीन घटाइएगा तो क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा, ए में से माइनस तीन घटाइएगा तो क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, इसमें से तीन घटाइएगा तो एस कितना पे आता है 19 पे आता है, इसमें से तीन घटाइएगा तो 16 पे पी आता है, तो ये दोनों में से अभी चल रहा है देखिए टी में से तीन घटाइएगा तो टी में से क्यू तीन घटाइएगा तो कितना आ जाएगा क्यू आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह से इसमें क्या करना है तीन तीन को -3 हर एक में से सबट्रैक्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 दिया था, तो टी क्यू का भाई है, यहाँ पे क्वेश्चन इसका पहले वाला आया था तो इसमें हम लोग ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे किस कौन सा ऑप्शन में देखना है कि जो क्यू है ये टी का भाई है, तो हम लोग पहला नंबर सबसे पहले नंबर से ही ट्राई करते हैं, तो पी एट द रेट ऑफ क्यू का क्या अर्थ है, तो ए जो है बी का पिता है, अच्छा पी जो है ये किसका पिता है तो पी जो है ये क्यू का पिता है, अच्छा जब एक जनरेशन अगर ऊपर जाएगा तो आप लोग एरो देके ऊपर लिखिएगा, एक जनरेशन नीचे जाएगा तो एरो देके नीचे रखिएगा। क्यू प्लस आर का अर्थ है कि ए बी का भाई है, क्यू जो है ये किसका भाई है तो क्यू जो है ये आर का भाई है, तो इसका जेंडर मालूम चल गया प्लस लगा दिया। इसी तरह से आर 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 है ए का अर्थ है कि आर जो है ना ये इसकी बेटी है, आर किसकी बेटी है तो आर जो है ये एस की बेटी है, हैज का मतलब क्या होता है कि ए जो है बी की बेटी है, अच्छा ये बेटी है तो इसके मम्मी या पापा होंगे एस, इसी तरह से एस 1% टी, इसका मतलब क्या है ए बी की माँ है, अच्छा एस जो है ना ये टी की क्या है तो माँ है, तो टी टी का जेंडर नहीं मालूम कर लेकिन इसका जेंडर मालूम चल गया, ये क्या है फीमेल है, तो पूछ रहा था टी किस में क्यू का भाई है, तो देखिए टी या तो मेल होगा या फीमेल होगा लेकिन क्यू क्या होगा इसका तो भाई ही होगा ना, तो यही अब सही हो गया, इसी तरह से आप लोग बनाइएगा तो तुरंत मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उपयुक्त में यह स्थापित करने के लिए कि जेड क्या
का पीता है, हर्ज के स्थान पे क्या रखना होगा? अच्छा, वाट के स्थान पे क्या रखना होगा? तो इसी तरह से आप लोग इसको अगर करिएगा तो इसका आप लोग फिर इसी तरह से जैसे इसे समीकरण बनाए तो क्यू जो है एक्स हैज ए का अर्थ क्या है, तो ए बी की बेटी है, तो इसी तरह से यहाँ लिखिएगा आप लोग एक्स क्या है तो वाई की बेटी है, ये एक्स जो है ना वाई की बेटी है, तो यहाँ पे ये वाई ऊपर रहेगा और एक्स क्या रहेगा नीचे रहेगा क्योंकि एक्स इसकी बेटी है। वाट के जगह पे दिया है, वाट के जगह पे क्या रखेंगे? तो इसी तरह से जिसे हर एक ऑप्शन में चेक करते हैं इसी तरह से इसका भी एक ऑप्शन रख के हम लोग चेक करेंगे, तो एट द रेट ऑफ रख के चेक करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 137 नंबर क्वेश्चन है। ये श्रृंखला जो दिया हुआ है श्रृंखला को कैसे पूरा करने के, अगर ए बी के बाद कहीं डबल बी के बाद आपको क्या दिखाई, यहाँ भी खाली जगह दिखाई दे रहा है, यहाँ खाली जगह के बाद यहाँ पे मान ली कि ए के बाद डबल बी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से होता है डबल बी है, तो डबल बी के बाद क्या रहा है एन आ रहा है। सबसे पहले आपको एन मिलेगा ये पहला वाला में, ये भर गया एन मान लीजिए इसको, ये ए के बाद डबल यहाँ पे क्या दिखाई दे, ए यहाँ भी ए के बाद डबल ए डबल बी, तो यहाँ पे एन के बाद डबल बी मान के चलिए, फिर एन आएगा, फिर एन के बाद आपको कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये डबल ए के पहले डबल बी के पहले क्या दिखाई देता है, ए आया है तो यहाँ पे ए आया होगा, फिर डबल बी, फिर यहाँ पे डबल बी के बाद हम लोग को क्या मिल रहा है तो एन मिल रहा है, इसी तरह से यहाँ आ जाएगा एन डबल बी ए एन, और फिर ये लास्ट में डबल बी के बाद एन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दिया हुआ है कोई भी जो कुर्सी है, कोई बैल है या कुर्सी नहीं है, तो जिसमें बात नहीं होता है वो दोनों क्या रहता है, तो दूर दूर रहता है, कोई जो बैल है वो क्या है कोई भी कुर्सी नहीं है, इसमें दोनों में निगेटिव बात हुआ है इसको दूर रखेंगे, और क्या बता रहा है कि सभी जो कुर्सी है, सभी जो कुर्सी है ये क्या है, सभी कुर्सियां जो है ये मेज है, सभी कुर्सी क्या है तो मेज है, ये दोनों में बात कर सकते हैं, दोनों पॉजिटिव बात कर रहा है, तो कुछ मेज जो है, अच्छा जो बाहर वाला रहता है वो अंदर वाला से बात करता है, तो ये जो पूरा में होगा तो इसमें तो कुछ तो हो ही सकता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, कुछ जो मेज है ये बैल है, कुछ जो मेज है ये मेज और बैल में तो कभी बात ही नहीं हुआ है, कुछ जो कुर्सियां हैं ये बैल हैं ये निगेटिव बात किया है और ये पॉजिटिव पूछ रहा है ये भी गलत है, और कुछ जो मेज है वो बैल नहीं है इसके बारे में तो कभी बात ही नहीं हुआ, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही केवल सही, केवल निष्कर्षण एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो इसमें जो अक्षर इसमें नहीं आया होगा उसको आप लोग को चयन करना है, तो देखिए इसमें एफ आया है, इसमें ऊपर वाला में जो नहीं होगा अगर कहीं दिखाई दे इसमें वही आ जाएगा, एफ ऊपर में आया है, ए आया है ऊपर में, आई आया है ऊपर में, एन आया है, टी आया है, आई आया है, एन आया है, और जी ऊपर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा इसमें आया है, तो इसको नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि ऊपर वाला किसी ही अक्षर के प्रयोग करके बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140, अगर चार अलार्म घंटियां जो है इतना इतना मिनट के अंतराल पर बजती है और एक साथ जो है 6 बजे बजती है तो अगले बार वो कब बजेगी, तो ये सभी का हम लोग क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेंगे, 3 का 4 का 5 का 8 का, अच्छा इसका एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम का फॉर्मूला हम कल ही बताए थे कि एलसीएम निकालने के लिए ये जो एलसीएम का जो सभी से कट जाना चाहिए तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा तो 120 मिनट आ जाएगा, अच्छा 120 आ जाएगा तो 120 यहाँ पे सब मिनट में दिया हुआ तो मिनट में आ जाएगा, तो 120 का अर्थ मान क्या होगा कि 2 घंटा के बाद एक साथ बजेगी, तो एक बार 6 बजे बजी है तो अगला कितना बजे बजेगी, तो 8 बजे प्रातः 8 बजे बजेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120, 141 नंबर क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष वाला ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये क्या इसमें दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कुछ का भारत के कथन इसमें देगा उसके अनुसार आप लोगों को निष्कर्षण दिया रहेगा, इसमें आप लोगों को चयन करना है, भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा प्रमाण पश्चिम में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है, अच्छा ये कथन है, इसका निष्कर्ष में इसमें ढूंढना है कौन सा निष्कर्ष सही है, तो भारत में आयुर्वेदिक दवाएं लोकप्रिय नहीं है, इसके कहीं निगेटिव तो बात ऊपर में किया ही नहीं है इसमें कर रहे, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ये गलत है। फिर दूसरा क्वेश्चन, एलो
एलोपैथिक दवाएं भारत में अधिक लोकप्रिय हैं। ये क्या लोकप्रिय है, आयुर्वेदिक यहाँ पे लोकप्रिय दिया, ये एलोपैथी का बात किया, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। न तो अनुसरण एक करता है, नहीं दो करता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। अच्छा, 7 जून 1984 को गुरुवार था, तो पूछ रहा है कि 7 जून 1983 को कौन सा दिन था। तो हम लोग जानते हैं कि अगर प्रेजेंट मंथ से, मैंने अगर 2024 से हम लोग 2024 में 25 में जाएंगे, अगर ये सॉरी यहाँ पर अगर मान लीजिए 23 रहता, 23 से अगर 2024 में आते ना, तो एक दिन क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन जब लीप ईयर आ जाता है, तो लीप ईयर में कितना दिन शेष बचता है, तो लीप ईयर में मैंने अगर यहीं अगर अपना 2023 से अगर 2025 में अगर कोई सेम डेट को जाइएगा, तो कितना दिन बढ़ जाएगा, तो 2 दिन बढ़ जाएगा। तो ये पीछे जो, क्योंकि ये पिछले साल का पूछा, तो इसमें 2 दिन घटा देना है। इस दिन कौन सा दिन था, तो गुरुवार था, तो पिछला जो उसी दिन को जो 1983 में कौन सा दिन होगा, तो 2 दिन घटा देंगे, तो कौन सा दिन हो जाएगा, तो मंगलवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगर यही पूछता कि 1985 में कौन सा दिन होगा, तो ये 7 जून को दिया होगा, तो 7 जून जो है 1984 का, ये तो लीप ईयर किस फरवरी के कारण बढ़ता है, तो इसमें एक ही दिन जोड़ के आता। अगर अगर मान ले कि अगर 7 जून 1985 को पूछता, अगर यही चीज 1985 को पूछता, इस बार गुरुवार था, तो अगले बार क्या आ जाता, तो ये आपका शुक्रवार आ जाता, 1985 पूछा रहता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। 143 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुत आसान, बहुत ही ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा। ये पूछा है कि 6 सेंटी घन के सभी तलों के, एक ये 6 सेंटीमीटर का एक ये मीन कोई घन है, तो ये 6 सेंटीमीटर का होगा, तो क्या होगा, इसका सभी छ छ ही होगा, इसका तीनों जो फेस होगा ये सभी छ छ ही होगा, जिधर से देखिएगा। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि सभी सतहों को नीले, घन के जो सभी सतहों को बाहर से नीले रंग से रंग दिया जाता है, ऐसे 1 सेमी माप के छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करने के लिए काटा जाता है, कितने ऐसे समूह होंगे जिनके एक सतह पर नीला रंग होगा। अच्छा, तब ये 6 सेंटीमीटर का दिया होता है, 1 सेमी के करने के लिए इसको हम लोग ऐसे छोटा छोटा इसको भाग में बांटा होगा, ऐसे ही ना किया होगा, तो इसको हम लोग करने के लिए, अब इसको इसको आप लोग करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या लगाइएगा, यहाँ पे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाइए, आप लोग को मालूम चल जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला आता है कि अगर एक ही आप लोग को सतह निकालना है, तो इसका कितना एक सतह कितना पे कलर किया हुआ है, इसका पूरा फॉर्मूला आपको हम लिखवा देंगे कभी, तो 6 × (n-2) के पावर 3 होता है, सॉरी 2 के पावर 2 होता है। अगर एक सतह निकालना है कि कलर कितना, एक 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 सतह जो है, एक इधर भी 6 से कटा होगा, इधर भी 6 भाग में कटा होगा, तो यहाँ पे 6, अच्छा यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है, 6 बार में कटा है, तो 6 कर देंगे, -2 के पावर 2 कर देंगे, 6 × ये 2 का 4 चल जाएगा, 4 के पावर 2 आ जाएगा, तो 6 × 4×16 कितना, 96 कितना बनना है, तो 96 बनना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। अच्छा, मैट्रिक को पूरा करने के लिए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करने, देखिए ये जो दोनों पहला है ये क्या है, तो दूसरा से ये भिन्न हो जा रहा है, ये जो दोनों पंक्ति में हम लोग इसको देखते हैं ये अलग हो जा रहा है, ये जो दोनों से ये अलग हो जा रहा है, तो ये भी दोनों से कुछ अलग हम लोग को ढूंढना है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये जो है ये क्या आ जाएगा, यही अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। 145 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए आकृति में पूछना है कि एक्स जो है उपयुक्त को टुकड़ियों में से कौन सी आकृति बनाई जाए, एक्स में जो दिया है गया इसको मिला के कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो देखिए ये बड़ा वाला जो आकृति है, ये तो तीनों में दिखाई दे रहा है, इधर भी दिखाई दे रहा है, देखिए अब हम लोग देखना है ये छोटा वाला जो आकृति, इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा, इसमें इसमें दिखाई दे रहा, तो ये दोनों बच गया। फिर इसको आप लोग को एक छोटा वाला त्रिभुज खोजना है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला जो भाग है ये वाला, ये इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कितना में दिया हुआ, तो सी में दिया हुआ है। 146 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित जो विकल्प दिया है इसके चयन करके 5 विकल्प आकृतियों में से 3 जो है एक प्रतीत प्रतिनिधि करती है और एक दूसरे में फिट होने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अच्छा, तो इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप किसको किसको ले रहे हैं, तो एक को लीजिए,
इसके साथ हम लोग पांच में क्या करते हैं कि तीन को इधर से हम लोग अगर फिट कर देते हैं नीचे से गिरा कर ऊपर से इसको लगा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, एक तीन और पांच। एक तीन और पांच किस में दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। अच्छा इसमें जो एक्स का आकृति दिया हुआ है इसमें हम लोग को चयन करना है कि ये कहाँ दिखाई देखे, ये ब्रेक हुआ ये तो होगा नहीं, यहाँ पे ये नीचे की तरफ सीधा हुआ है तो ये सी नंबर ऑप्शन होगा नहीं, ये भी कट गया। अच्छा यहाँ पे ये जाने के बाद ये इधर ब्रेक हुआ है तो इसमें ये ब्रेक वाला दिया नहीं है, तो इसमें हम लोग फिट करके देखते हैं, इसको चला के देखेंगे कि कौन सी आकृति में जो ये मिल रहा है तो इसे इसमें ये मिल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये सही है, तो किसमें दिया हुआ, ए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। अच्छा यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें ये जो अलग अलग आकृति दिया हुआ है, अगर ये वर्ग दिया हुआ है तो नीचे में सर्कल दिया, ऊपर में सर्कल तो नीचे में वर्ग, इसी तरह से ऊपर में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये नीचे में ट्रिपल दिया हुआ है एल टाइप का, तो ऊपर में त्रिभुज दिया हुआ है, इसी तरह से अगर मान ली कि नीचे में अगर त्रिभुज दिया होगा तो ऊपर में एल टाइप का होगा। अच्छा ऊपर में किसी में क्यूबलिंग नहीं किया है, डबलिंग नहीं किया है, तो एल हम लोग को ऊपर में एक ही खोजना है, किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ए नंबर ही सही हो जाएगा इसका, एक नंबर। इसमें पूछा है चार विकल्पों से एक पता लगाइए, चार विकल्पों में से पता लगाइए कि जब एक शीट को बंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा तैयार होगा। तो इसको इस तरह से होगा, फिर इसको इस तरह से होगा, इसको मोड़ने पे इसको जब मोड़िएगा तो ये इसके क्या आ जाएगा, सर्कल के अंदर आ जाएगा, तो ये कौन सा होना चाहिए, इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ये बी। तो बी किस में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ये दो जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका लास्ट नंबर क्वेश्चन है 150 नंबर क्वेश्चन। 150 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो समायोजन के दर्शन के प्रतिबिंब से काफी मिलता जुलता है। तो संयोजन के दर्पण के प्रतिबिंब, इसका मैंने दिया हुआ है इसका दर्पण का प्रतिबिंब निकालना है, तो दर्पण के प्रतिबिंब निकालने के लिए इधर हम लोग दर्पण रखेंगे, तो इधर वाला जो चीज रहेगा ये सबसे पहले आ जाएगा, इधर वाला सबसे लास्ट में चला जाएगा, तो ए पलट जाएगा, ए इधर आ जाएगा। अच्छा ए वाला जो डंटी इधर है ये सबसे पहले फोर ऐसे बन जाएगा, इसमें ए इधर दिया हुआ है तो ए इसमें केवल दो ही बचा, ए और एक और चार में। फिर इसी तरह से हम लोग एक को देखेंगे, एक का मूल इधर घुमा है, इसमें भी सेम है, तो डायरेक्ट हम लगाते हैं टी में, इसमें टी क्या क्या ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, इसमें क्या रहता है तो साइड से चेंजिंग होता है, तो टी ये वाला आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें ये चार सही है, तो इसमें कितना दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो 75 क्वेश्चन का जो श्रृंखला है यहीं पर समाप्त होता है आप लोग का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और आप लोग कॉमेंट जरूर करिए कि अगर RRB LP के लिए जो लोग तैयारी करते हैं, LP का जो लोग तैयारी करते हैं, आप लोग कमेंट करिए कि कौन से बुक से आप लोग इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसी बुक से आपका प्रैक्टिस कराया जाएगा, और उसका भी हर एक सब्जेक्ट का वीडियो बनाया जाएगा, जैसे मैथ का, रीजनिंग का, और आप लोग एक प्रैक्टिस सेट जरूर मारिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक